दिल्ली नगर निगम की बैठक एक बार फिर हंगामा की भेंट चढ़ गई। बैठक शुरू होते ही शोक प्रस्ताव के बाद भाजपा पार्षदों ने दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। भाजपा पार्षद वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। मेयर शैली ओबराय के समझाने के बावजूद जब भाजपा पार्षद शांत नहीं हुए तो बैठक को स्थगित कर दिया गया। बैठक स्थगित होने के बाद भाजपा पार्षद सदन के बाहर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा पार्षदों ने मटका फोड़ करके भी दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर विरोध जताया। नेता विपक्ष राजा इकबाल सिंह ने कहा कि राजधानी दिल्ली में पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली सरकार की नाकामयाबियों की वजह से दिल्ली की जनता बूंद बूंद के लिए तरस रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा दिल्ली के जनता के साथ है, उनकी आवाज को उठा रही है। दिल्ली की जनता को ये बताना चाहते हैं, आपका दुख हमारा दुख है। भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के सभी निगम पार्षद आपके साथ खड़े हैं। वो इन भ्रष्टाचारियों को हम गद्दी से बिल्कुल पीछा छुड़ाएंगे। जो लोग परेशान हैं और ये झूठे अनशन कर दिल्ली की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 75,000 करोड़ का दिल्ली जल बोर्ड घाटे में चल रही है, आपने वो पैसा क्या किया? क्या आपने पाइप की लाइन बदली? 50% दिल्ली का जो पैसा है, पानी है, वो लीकेज में चला जाता है, तो दिल्ली सरकार क्या कर रही थी? बूंद बूंद आज दिल्ली की जनता पानी को तरस गई। हम आपके माध्यम से, हम जनता के माध्यम से, निगम के माध्यम से दिल्ली की सरकार को सुचेत करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। ऐसा कोई संशोधन नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी साफ स्पष्ट बात है, आम आदमी पार्टी भ्रष्ट सरकार है, हम इनकी कोई भ्रष्टाचार इनको सहन नहीं करेंगे।